बारे में अपन इस लॉ में जिक्र करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और पढ़ते हैं कैसे जाते हैं। देखो F1 जनरेशन अगर आप लोगों को याद है, F1 जनरेशन का प्रोडक्ट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि सेग्रीगेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उससे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन का प्रोडक्ट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को अपन कंटिन्यू पढ़ते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टार्ट करते हैं। इसको अपन पेरेंट जनरेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई पेरेंट जनरेशन। अभी पीजी इसको ध्यान रखना बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर। पीजी पीजी का मतलब है पेरेंट जनरेशन, फादर एंड मदर हो गए। पेरेंट में दो आते हैं इंक्लूडिंग, तो ये फादर और ये मदर, इसको अपन ने पेरेंट जनरेशन बना ली क्योंकि ये दोनों अपने को लॉ ऑफ डोमिनेंस में ऑपरेट हुए। अब देखो बच्चों ये दोनों अलग अलग, उसमें याद करो मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने यही दिया था बच्चों, ये दिया था कैपिटल टी के एंड स्मॉल टी के, इसमें दोनों एक से थे इसलिए अपन ने एक कॉमन लिया था। याद करो उसमें कॉमन लिया था, लेकिन अब इसको अपन कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि अपने को गैमेट्स बनाने हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो इसको सेपरेट करो। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दोनों को अलग करो, ये लो हो गए दोनों एक दूसरे से अलग। अब इनका अपने को क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, तो ये दोनों क्या बन गए यहां पर, गैमेट्स बन गए। ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स वो यूनिट होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में जाती है, जीन के थ्रू, जीन के थ्रू जाती है। दोनों ध्यान रखना है चीज वापस। अब इनका अपन क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के लिए बच्चों ध्यान रखना है, टेबल बनाई जाती है छोटी सी, अपन एक टेबल बनाते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इज इट क्लियर? और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कॉलम यहां खाली रह गया। इसमें देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में पार्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बायोलॉजी जब भी अपन पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में मेल और फीमेल को इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल है। वो सिंबल क्या, मैं आपको बता देता हूं आज बोर्ड पर। मेल के लिए सिंबल आता है ये वाला, और फीमेल के लिए आते हैं ये वाला। ये सिंबल याद रखिए क्योंकि सिंबल अपन आगे वर्ड्स नहीं लिखते, अपन ये सिंबल याद इंडिकेट करेंगे और ये सिंबल अपने को बताएंगे दिस सिंबल इज इंडिकेट मेल एंड दिस सिंबल इज इंडिकेट फीमेल। तो चलिए सिंबल अपन ये इंडिकेट कर देते हैं। इसका मतलब ये मेल हो गए पेरेंट्स में और ये फीमेल हो गए। चलो इसका क्रॉस करवाते हैं, दोनों को अपने क्रॉस करवाया और इसका इससे करवाया। कैपिटल टी का मैंने क्रॉस और कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करवाया तो टी टी क्रॉस करवा दिया, और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाया, इज इट? अब इस स्मॉल टी का कैपिटल से करवाते हैं। ध्यान रखना कैपिटल हमेशा पहले लिखो, थोड़ा सिस्टमेटिक वर्ड्स होते हैं, और इसको इससे क्रॉस करवाइए तो अपने को ये नेक्स्ट जनरेशन हो गई F2 जनरेशन। इसको F1 मत बोला बच्चों क्योंकि F1 जनरेशन को तो अपन ने पेरेंट्स बना दिया था, अब ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई। तो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या क्या चीजें ऑप्टेंड होगी अपने, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल याद रख चुका है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं और
यही था आपके पास। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी भी टॉल कितने हैं, 1, 2, 3, क्योंकि ये भी तो टॉल है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है तो उसमें देखा कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट इसलिए टॉल। तो ये टॉल हो गया लंबा, ये भी टॉल हो गया लंबा और ये भी टॉल हो गया लंबा। तो लंबे प्लांट कितने हो गए, 3। और स्मॉल टी भी किसके लिए आता है, ग्रोथ के लिए, तो एक हो गया ग्रोथ छोटा। तो ये तो हो गया फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। देखो जीनोटाइप रेशियो अपन कैसे फाइंड आउट करें, ऐसी कंडीशन इस टेबल में होता है कैपिटल टी नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, केवल एक ही पोजीशन है कैपिटल टी की, 1। फ्रेंड्स कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार आ चुका है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार आ चुका है, और है ना कैपिटल टी ऐसी कंडीशन नहीं है ना, दो बार ये जीनोटाइप रेशियो राइट। स्मॉल टी की और कहां स्टेबल में नहीं है, गौर से देखो आराम से, पॉज कर लेते तो रोक रोक के देखो आराम से देखो, स्मॉल टी की और कहां स्टेबल नहीं है, एक वन टाइम्स। तो ये था बच्चों जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने दो लॉ पढ़े मेरे साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो लॉ हो चुके हैं। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए, पॉज करके देखिए, मैं आपको नेक्स्ट लॉ समझाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स थर्ड लॉ पढ़ने से पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस चैप्टर में तीन लॉ है, तीनों लॉ प्रैक्टिकल के साथ है, एग्जांपल के साथ है, वो डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट और नंबर भी अच्छे इसके वजह से। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, वो पढ़ने से पहले अपने को दो छोटे टॉपिक बीच में इंक्लूड किए हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, इन दोनों को जान लेते हैं। इन दोनों में आइए क्या चीज देख रही थी, बैक क्रॉस बैक का मतलब होता है पीछे और टेस्ट का मतलब होता है अभी। तो बैक क्रॉस क्या है, देखो अभी भी अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें एफ वन जनरेशन या पेरेंट जनरेशन अपने पास क्या थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एफ वन जनरेशन यही थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में, याद सुना मैं तुम बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एफ वन जनरेशन क्या थी, यही थी, और पेरेंट जनरेशन क्या थी, ये पेरेंट जनरेशन थी बच्चों, ये थी ना। जब अपन ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था सबसे पहले इन्हीं को लिया था, कैपिटल टी थी और स्मॉल टी थी, ओके, और ये थी अपनी एफ वन जनरेशन। हम जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, इनकी डेफिनेशन याद रहेगी, व्हेन द क्रॉस एफ वन जनरेशन विद रिसेसिव, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान सुनना, बैक क्रॉस में एफ वन जनरेशन का क्रॉस इन दोनों में से किसी के साथ भी करवाते डोमिनेंट मॉडल्स, या तो कैपिटल टीटी के साथ करवा दो या स्मॉल टीटी के साथ, बैठना मतलब ही होता है पीछे चले जाओ वापस। तो एफ वन जनरेशन का क्रॉस पीछे चले जाओ और इन दोनों में से किसी के साथ करवा दो, शर्त नहीं है इसमें कि इन दोनों में से किसी एक के साथ करवानी पड़ेगी ना, इसमें शर्त नहीं है आपके पास, आप पीछे चले जाओ वापस पेरेंट्स में चले जाओ और पेरेंट्स में जाकर इन दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस इसके साथ क्रॉस करवा दो,
और इसका इसके साथ क्लोज करवा दो, सेम वही चीज रिपीट हो गई, क्लियर इसे। तो ध्यान रखना एक चीज का छोटा सा, इसका जब भी रेशियो निकलेगा वो 50-50% का निकलेगा, 50% ये है और 50% ये है। ये था आपका छोटा सा बैक क्लोज, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया और इसे पहले को मैंने यहाँ लिख दिया। तो बैक क्लोज में ध्यान रखना कैपिटल टी स्मॉल टी का क्लोज इन दोनों में से किसी के साथ भी करवा दो। अब चलिए उसमें चलते हैं नेक्स्ट, अब उसमें क्या अगला कह रहे हैं, टेस्ट क्लोज में भी अपन सबसे पहले एफ फॉर जनरेशन ही लें, इट्स मींस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्लोज किसके साथ करवाएं, इसमें तो अपन ने कुछ जाकर दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें शर्त है बच्चों अपने पास, टेस्ट क्लोज में अपने पास शर्त है, शर्त क्या है, इसमें आपको क्लोज किसी के साथ करवाना पड़ेगा, रिसेसिव के साथ, डोमिनेंट के साथ मत करवाना। इसमें जो क्लोज होगा वो क्लोज हमेशा रिसेसिव ट्रेड्स के साथ ही होगा, किसका एफ1 जनरेशन, ये एफ1 जनरेशन है, और इसका क्लोज अपन किसके साथ करवाएंगे, केवल रिसेसिव के साथ, इसमें शर्त है टेस्ट क्लोज में। फिर रिपीट कर रहा हूं, बार-बार बोल रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का, इसमें अपने लिए शर्त है टेस्ट क्लोज में कि इसमें जो क्लोज होगा एफ1 जनरेशन का वो रिसेसिव के साथ होगा, बैंक क्लोज डेफिनेशन चेंज है बट एग्जांपल चेंज नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों में से कोई भी एक लो तो ये वाला ले लो, वही टेस्ट क्लोज में एग्जांपल काम आ जाता है, इसलिए आपको मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक दी थी कि ये चीज रिपीट कर दो तो ये टेबल आपको वहां बनाने को मिल जाएगी, सेम चीज दो अलग अलग, दोनों अलग अलग है तो इन दोनों अलग अलग कर दो, ब्रैकेट्स बनाने के लिए अलग अलग हो गया ऐसा, और इसमें ये दोनों एक से तो एक कॉमन ले लो, टेबल बना दो छोटी सी, सेम चीज एंड सेम प्रोडक्ट रिपीट हो,